गुड मॉर्निंग गाइज़ और आज की सुबह को ज़्यादा ही रोमांचक है बिकॉज आप सभी को याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक वाटर स्लाइड का नया बिज़नेस खोला था और भाई साहब हमने इनफ मनी भी कमा ली थी अभी क्या हुआ कि मेरी कुछ वाटर स्लाइड्स ना खराब हो गई थी तो ये दो समथिंग ही बची हैं और भाई ये छोटी सी भी हैं तो मैंने लिटरली में आज के लिए प्रॉपरली लोगों के लिए एकदम फ्री वाटर स्लाइड कर दिया है आपने सही सुना भाई क्योंकि यहाँ पर मेरी वाटर स्लाइड वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम में इसको चेंज करने वाला हूँ अरे बापरे क्योंकि यहाँ पर गाइज

पहले यहाँ पर पब्लिक को मजे लेने दो एक मिनट बोले कहाँ से दिखे नहीं भाई साहब खैर छोड़ो यहाँ पर गाइज मैं कह रहा था कि सब वाटर स्लाइड में मज़े ले रहे हैं एक काम करते हैं ऊपर साइड चलते हैं वहाँ से दिखेगा देखो कैसे कैसे लोग डाइव लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं बोकल पब्लिक तो मज़े ले रही है पर हमें तू मजे नहीं लेने दे रहा। अरे चौप रहने दे भाई तेरी तबीयत खराब हो जाएगी पानी में ज़्यादा नहाएगा तो वैसे ही आजकल मौसम ठंडा चल एक मिनट है ये क्या हुआ ये एक साथ से ऊपर से चिंगारियाँ सी कैसे आ रही हैं ऊपर जाके देखूं ओ भाई ये मेरे वाटर्स अरे गॉइज मैंने कहा था ना आपसे मेरी वाटर स्लाइड्स ख़राब हो गई पुरानी हो गई और भाई साहब इसमें आग भी लग गई बट ऐसे कभी आग वाग तो नहीं लगनी चाहिए थी ये आग कैसे लग गई भाई हेलो अरे प्लीज़ कोई भी इस वाली वाटर स्लाइड मत आना अगर कोई आया तो भाई साहब जल जाएगा आग में आके माय oh गॉड मैं लोगों को वार्न कैसे करूं? बट ये आग सडनली लगी कैसे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है वहां तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी नहीं है कि हाँ चलो तार में तार मिल गए होंगे आग लग गई होगी और सब पूरा का पूरा मेरा वाटर स्लाइड उखड़ के भाई इधर उधर जा रहा है ये क्या मजाक है ओ नो अगर वाटर स्लाइड में कोई हुआ तो किसी की जान चली गई तो भाई मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर ओ भाई साहब एक मिनट मैं नीचे देख लेता हूँ अरे फ्रैंक ने मरवा दिया अरे गाइस तुम लोग ठीक तो हो ना ओ भाई ऊपर बहुत सारे लोग थे सब वाटर स्लाइड में नहा भी रहे थे ओ नो दोस्तों ये क्या हो गया अरे एक तो वैसे ही मेरा बिजनेस बंद हुआ पड़ा था मैंने सोचा आज लोगों को फ्री में वाटर स्लाइड की मजे दिला दूंगा तो फ्री की प्रमोशन हो जाएगी बाद में कुछ पैसे वैसे खर्च करूंगा बैंक से लोन लेके तो लोग यहाँ पर मेरे वाटर स्लाइड में आएंगे कहाँ गया ये फ्रेंक्लेन? ओए फ्रैंकलिन भाई मुबारक हो हमने तेरी मुसीबत दूर कर दी क्या क्या कह रहा है टोनी अबे तेरा बॉर्डर स्लाइड हमने तोड़ाया क्यों ये तुमने क्या किया टोनी ये सही नहीं किया तुम लोगों ने अब तू ऐसे लोगों को फ्री में भाई वाटर स्लाइड के मजे दिलाएगा तो दूसरे लोगों के बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा ना आज यहाँ पर हमारे यहाँ एक परसेंट कस्टमर भी नहीं आए सबके सब बोल रहे हैं भाई फ्रैंकलिन के पास जाएंगे बहुत फ्री में मजे दिलाता है फ्रेंकलिन तो भाई साहब बहुत सस्ते में काम करवाता है बिल्कुल सही कहा हम तुझे इस बिजनेस को नहीं करने देंगे तुम्हारी इतनी हिम्मत भाई अगर मैं समाज सेवा कर रहा हूँ मेरे कुछ काम की वजह से मेरे कुछ लिटरली में नाम की वजह से लोगों का थोड़ा भला हो रहा है उनको अच्छा होता तो तुम्हें भाई साहब क्या

अब अपनी हद में रह तो ऐसे नहीं मानेगा जाओ मेरा आमैन का सूट लाओ हाँ लिया भाई जो लाना है मैं तुझसे डरता नहीं हूँ आज मैं नहीं डरूंगा चाहे तुम मुझे कितने पीट लो मैं जानता हूँ मैं तुमसे लड़कर जीत नहीं सकता लेकिन यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है गलत कर रहा हूँ बोल जाओ क्यों नहीं भाई अगर गुस्सा आ गया तो अभी तो वाटर स्लाइड का बिजनेस खत्म किया है हमें भी खत्म कर डालेंगे तो उन्हें यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी एक तो मेरा बिजनेस खा गया तो ये फ्री में लोगों को मजे दिलवा दिलवा के और भाई साहब तूने मुझ पर ही हमला कर डाला बोकलवा भाई बो बा, 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 बा इससे माफी मांग लो टोनी से बना तुझे छोड़ागा नहीं मैं डरता नहीं हूँ चाहिए कुछ भी कर ले चाह आज आज मुझे भाई साहब पूरी पावर दे दो फ्रैंकलिन मुझसे बचेगा नहीं अरे बाप रे आ बापरे तुम सबके सब अब तो भाई इस घर पर भी मैं कब्जा कर रहा हूँ बोकलवा वह क्या करवा दिया भाई इकलौता करता बचा कुछा वो भी तुमने लुटवा दिया मार दे मैं माफी नहीं देगा आप ही बताओ मैं सही कर रहा हूँ गलत है मैंने मैंने किस चीज़ के लिए यहाँ पर ऐसी गलती कर दी जो टोनी ने मेरे को ये सजा दी अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मुझे अपना सपोर्ट जरूर दिखाना अरे कोई तुझे सपोर्ट नहीं करेगा है तो ऐसे फ्री मैं सबकी मदद करता रहा तो जिंदा तेरे पर थूकेगी कोई तरह को आके पूछेगा भी नहीं ऐसा नहीं है तो गलत है यहाँ पर तू गलत है समझा ऐ देख लेंगे इसकी बैंड तो बजा दी अब तो ये बेहोश हो गया अब एक काम करता हूँ उसके पूरे घर पे कब्जा कर लेता हूँ और अपना मस्त वाटर स्लाइड का बिजनेस चलाऊंगा टोनी तो तूने तो मेरे घर पे अगर कुछ भी किया ना तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे जो करना है मेरे साथ कर मेरे घर को मेरी फैमिली को उससे दूर रख तो पाप रे है? ये क्या <laughs> अरे भाई फ्रैंकलिन 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 बधाई हो ये सब क्या चल रहा है तुमने मेरा वाटर स्लाइड तोड़ा मुझे पीटा घर कब्जे में कर लिया और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो अरे भाई तू तो गलत फहमी में आ चुका है अब हमने तेरा वाटर स्लाइड इसलिए तोड़ा क्योंकि हम तुझे नया वाटर स्लाइड गिफ्ट करना चाहते थे क्या एक मिनट भाई साहब एक मिनट ये सब तुमने

आज तो भाई साहब आज एक नहीं आज मैं भाई साहब जितने भी अपने सेंटर के आसपास जितने भी शहर पड़ते हैं ना सारे शहर के लोगों को बुलाकर अपने इस वाटर स्लाइड बिजनेस का उद्घाटन करेंगे और भाई उनको फ्री में यहां पर मजे दिलाएंगे मजा आएगा ओ भाई क्या स्मूथ एक्सपीरियंस था और वाह कितना ज्यादा पानी है और एकदम भाई गहरा भी है लोगों को चोट भी नहीं लगी मजे भी फुलाएंगे और एकदम ठंडा ठंडा है भाई एकदम बॉडी यहां पर खुल जाएगी भाई साहब मजा ही आ जाएगा नवेंजर ने तो कमाल कर दिया गाइज मैंने कभी

तो मल्टीपल वाटर स्लाइड्स हैं हर जगह आप मजे करेंगे वॉटर में पानी में नहाएंगे ओ भाई साहब गाइज आई होप सब कुछ अच्छे से जाए भाई मेरा तो खुद मन कर रहा है वाटर स्लाइड में मज़े लेने के अब इंजर्स ने भाई साहब बनाई कुछ इस तरीके से दिया है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भाई साहब तगड़े वाले तो पंप लगाए जिससे कि पानी की सप्लाई 24 घंटे ना रुके और यहाँ पर लोग मनोरंजन के साथ साथ मज़े करते रहे भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा यहाँ पर अभी वैसे पब्लिक ऊपर जा चुकी है तो यहाँ से स्लाइड करके नीचे को आना स्टार्ट करेंगे तो मज़ा आएगा और साथ साथ में गाइज़ अब मल्टीपल यहाँ पर वाटर स्लाइड्स हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी लोगों को वेट भी नहीं करना पड़ेगा और इतना बड़ा वाटर पार्क है ने इसमें फ्रेश पानी लगा दिया। मतलब नहाओगे तो भाई साहब ना तो कोई कटाणु होगा ना गंदा पानी होगा तो एकदम बढ़िया तरीके से बॉडी फ्रेश रहेगी और कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा इस बात का अवेंजर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखा है मजा मतलब तो फुल आएगा अब एक काम करता हूं मैं दूसरे एंगल से जाके देखता हूँ कि भाई साहब लोग क्या मजे ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं और काम करते हैं ऊपर साइड चलते हैं ओके ये क्या मजाक है ओ भाई अरे भैया फ्रैंकलिन ये तेरे यहाँ पर इतना सारा ब्लड कहाँ से आया अरे भैया फ्रैंकलिन अभी तो डर लग रहा है ओ भाई ये वाटर साइड के प्लेटफॉर्म पे इतना ब्लड कहाँ से, कहा से आया ऐसा हो सकता है कोई पंछी वंची टकरा गया हो गाइस अगर मैंने लोगों को अभी इस बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं दी ये तो गोलियों के निशान लग रहे हैं मुझे क्या चल रहा है ये कुछ तो गड़बड़ है इस बारे में मुझे अवेंजर्स को बताना पड़ेगा अरे भाई तुम लोग घबराओ मत था ये भाई कोई पंछी वंछी आके टकरा गया होगा उसी का ब्लड है आप लोग आराम से ना कोई दिक्कत नहीं है तो लग लग रहा है है भाई ये तो ये गड़बड़ रही कुछ वाटर स्लाइड में अरे कोई गड़बड़ नहीं एकदम फ्रेश नहीं हुआ भाई अब एंजर्स ने भाई एकदम अच्छी क्वालिटी का वाटर स्लाइड बना के दिया है मैं वाटर पार्क मैं इसकी सफाई कर देता हूँ तुम लोग आराम से अपना काम करो खाई अजीब है यार वाटर स्लाइड के ऊपर प्लेटफॉर्म पे इतना सारा ब्लड ऑल राइट गाइज यहाँ पर शाम हो चुकी है अभी और गाइस लोग इतने डरे हुए थे कि भाई कोई नहाने गया ही नहीं मुझे समझ ही नहीं आया खैर मैंने यहाँ पे जो ब्लड ब्लड था वो सब की सफाई कर दिए तो कल से यहाँ पर एकदम नया देश स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर भाई साहब भी मैं बहुत थक गया हूँ साफ सफाई करते करते तो चलो जाके आराम से सो जाते हैं अबे आएंगे ना टाइम लग गया तुझे ऊपर क्या हुआ कोई वाटर साइड में नहाने और वाटर पार्क में कूदने वूदने नहीं आया अरे हाँ वो ऊपर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था आई थिंक कोई पंछी वंछी टकरा गया था अपने वाटर स्लाइड के पार्क से तो उस पर क्या हुआ कि भाई थोड़ा सा ब्लड ब्लड फैल गया था लोग डर गए थे तो उसने सब अपने घर चले गए अच्छा तो फ्रेंगी भैया अब हम नहा ले भैया हम भी नहा ले अरे छोपरा

आ, ये चलिए ना ना अभी नहीं मेरा नहाने का मन नहीं है मैं ऑलरेडी सुबह नहा लिया था वो यार बहुत रीत फ्रेंड बात मैं जा, एक जा रहा हूँ भाई सोने तो वाटर साइड को ध्यान से लॉक कर दिया रात को कोई आके भाई साहब फालतू तुम इसका यूज करने लग जाए और सुन लाइट्स वाइट right, जितनी भी सब बंद कर देना बिजली का खर्चा बहुत आएगा भाई पता चले हम जितना कमा रहे हैं सारा बिजली के बिल में ही दे देते अच्छा ठीक है ठीक है मुझे नाने जा रहा और सुन एक ही बार नहीं हो बस हाँ उसके बाद डायरेक्ट घर आई हो आ, ना कितनी सारी चीजें रखते हैं चले दोस्तों जल्दी चल जी नाने जाके मजा ही आ जाएगा हाँ देखिए देखिए पूरा शहर यहाँ से दिख रहा है कितना खूबसूरत सब तो शोर है और मैं वोटर स्लाइड के मजी ले रहा हूँ ओके okay, यहाँ पर गाइस मेरे को वैसे तो नहीं बहुत आ रही है भाई साहब बट मैं देख पा रहा हूँ अरे यार ये इनजेस कह रहे थे उन्होंने वाटर साइड पे लाइट लगा रखी है कहाँ है लाइट मुझे तो कोई लाइट नहीं दिख रही हेलो सिंचैन ये सिंचैन अभी तक आया क्यों नहीं नीचे सिंचैन आई थिंक दूसरी वाली वाटर स्लाइड में शायद वो स्लाइड करके नीचे चला गया हो अजीब है सिंचन कुछ बोल भी नहीं रहा गाय सिंचन ऊपर पहुंच गया था क्या पहुंच गया था तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे यस लिख के बाकी सिंचन नीचे आया मेरे नीचे अगर वो कूदा होगा तो उसके कूदने की आवाज़ भी तो नीची थी सिंचन भाई हेलो मेरे हिसाब से आई थिंक गाइज वो ऊपर ही रह गया है मुझे जहाँ तक लगता है खैर छोड़ो अब मैं सोने वोने जाता हूँ भाई यार दोस्तों सिंचन अभी तक नहीं आया एक घंटा हो गया इवन मैं सोने भी चला गया था पर मुझे नींद ही नहीं आई चिंता में अब तो दिक्कत हो रही है सिंचन का ओ भाई वो क्या है हेलो ओ ओ माई गॉड ये क्या चीज है अरे यर्स ने कैसी लाइट लगा दी भाई भाई साहब बड़ी क्रीपी सी स्माइल लग रही है बड़ी डरावनी सी मुझे समझ नहीं आ रहा भाई साहब के ये अभी तो मुझे दिख नहीं रही थी और रेड कलर की लाइट इन्होंने क्यों लगा दी भाई साहब बड़ी खतरनाक लग रही है और सिंचन अभी तक आया नहीं भाई एक घंटे से ज्यादा हो गया है मुझे तो लग रहा है भाई साहब वो अभी भी नहा ही रहा होगा पता नहीं है कहाँ पर सिंचन भाई हेलो अरे ऊपर साइड जाना पड़ेगा मेरे को शायद काम करते हैं ओके मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अरे फिर से बुलट है पर मैंने तो साफ कर दिया था ये क्या मजाक चल रहा है दोस्तों मैंने लिटरली में ब्लड साफ कर दिया था और अगेन यहां पे ब्लड आ चुका है लेकिन यहां पर मुझे किसी की बॉडी नहीं दिख रही है अब देखो ब्लड तो बॉडी में से निकलता है ऑब्वियस सी बात है तो अगर ब्लड है तो भाई बॉडी कहा है ये क्या चल रहा है ब्लड है भी या फिर ऐसी बस पेंट है लाल कलर का एक मिनट और तो सिंचैन का फोन है ओ भाई मैंने जस्ट सिंह को उसके बर्थडे पे नया फोन दिलाया था और गाइस ये वही फोन है सिंचन का फोन यहाँ ब्लड है ऊपर से सिंचन का पता नहीं है सिंचन अरे कहा है तू नीचे है क्या भाई ख्वाज अभी तो मेरा गला सूख रहा है यहां पे मुझे लग रहा है डर बहुत खतरनाक वाला क्या करूं मैं सिंचन के बारे में काम करता हूं अरे ऐसा भी तो हो सकता है सिंचन चला गया हूँ आई थिंक मैं यहां आया हूँ और सिंचन यहां से चला गया हो एक काम करते हैं घर जाके घर जाके चेक करते हैं मैं जल्दी चलता हूँ डोर तो खुला पड़ा है जबकि डोर तो मैं बंद करके गया था आई थिंक सिंचन आ गया है वही ही लापरवाह चौप चौप भाई अब कैसा चौप है तू कैसा चौकीदार है भाई घर का ख्याल रखा सोनता भाई बहुत नींद आ रही है ठीक है सोता रह तू अवेंजर्स अवेंजर्स ये ओके okay, यहां तो सिंचैन नहीं है टोनी टोनी सुन सिंचन आया था क्या पिनचैन

बट धोनी तो, तो नहीं है वॉटर स्लाइड पर क्रीपी से स्माइल की लगा रखी है कौन से स्माइल भाई क्या पागल वागल हो गया अबे बड़ी खतरनाक सी यार लाल कलर की है इसी फेंकी भैया वो छोड़िए आप ये तो बताइए कि में सिंचिन का है वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है बचाओ कोई मदद कर भैया बचाओ ये क्या हो रहा है आग लग गई है वो भाई ये आग लग गई अभी मुझे सिंचन की भी आवाज़ आई थी और ये शर्मा जी की आवाज़ थी तो और भाई तो शर्मा जी के घर से आग आ रही है आए भाई क्या हो गया ये क्या चल रहा है भाई तेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं जो आग वाग लग रही है रातों को इनके घर में मुझे खुद नहीं पता भाई ये क्या चल रहा है ओ भाई साहब ये अपनी सोसाइटी में हो क्या रहा है गाइज यहाँ पर अजीब ही चीज़ें हो रही हैं एक मिनट यहाँ पर वाटर स्लाइड पे तो आग नहीं लगी नहीं नहीं उसमें नहीं लगी है वो दूर है काफ़ी बट यहाँ पर ये शर्मा जी के घर पे भाई इतनी खतरनाक अरे शर्मा जी भाई हेलो अरे घर में कोई है अरे आग वाग लग गई है तुम्हारे घर में इसको बुझा लो भाई क्या कर रहे हो वरना मेरे घर में भी आग एक काम करता हूँ फायर ब्रिगेड वाले को लगा देते हैं इस वाकई खुद संभाल लेंगे आए फ्रैंकलिन तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं ये सब तेरी वजह से हुआ है फ्रैंकलिन ओ भाई साहब ये शर्मा जी इतनी गुस्सा क्यों है मेरे ऊपर भाई मेरी वजह से क्या हो गया अब आग लगी है इनके घर पे तो वो मेरी वजह से कैसे लग सकती है कुछ भी फ्रैंकलिन तू अरे बाप रे भाई निकल तेरी इतनी हिम्मत तू यहाँ पर अपने वोटर स्लाइड से अटैक करता है अरे भैया गए गाइस वो तो भला है मैंने वोटर उसको फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर दिया था वो आ गए अब घर की आग बुझा देंगे फ्रेंकलिन तूने मेरा जितना भी नुकसान किया पैसा वापस कर अरे क्यों पैसे वा? क्या कह रहे हो भाई तेरे वोटर स्लाइड से एक लेजर आई और उसने मेरे घर में आग लगा दी क्या लेजर आई क्या लेजर अरे भाई टोनी देख मैं इसी बारे में कहता हूँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है वाटर स्लाइड में फ्रैंकलिन मेरे पैसे सुबह तक वापस कर वरना तेरे को छोड़ूंगा नहीं अरे ठीक है शर्मा जी जाके आराम कीजिए आप टोनी मेरे साथ चलना पड़ेगा तेरे को अभी सिंचन का भी कुछ पता नहीं है ऊपर से शर्मा बोल रहा है भाई उसके घर पे अटैक हुआ है बहुत खतरनाक वाला है वो भी वाटर स्लाइड के थ्रू अबे फ्रैंकलिन शर्मा रात में सपने देख के पागल हो गया है तू पागल वागल मत बन फालतू की बात है मत कर सिंचन मेरे हिसाब से वाटर स्लाइड में नहा वा रहा होता बड़ा वाटर स्लाइड है कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसे हम अरे दिन में मिल जाएगा नहीं टोनी मुझे दीदरी आएगी ऊपर से भाई साहब प्लेटफॉर्म पर मैंने ब्लड भी देखा था दोबारा अबे ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई अरे मैं भूल गया था चलो जल्दी से एक मिनट यहाँ पर तो और भाई ये क्या हम छोड़ेंगे नहीं इस वाटर स्लाइड को बर्बाद कर देंगे आराम बिल्कुल सही कहा ये वाटर स्लाइड खतरनाक तरीके की लेजर छोड़ रही है हमारे घर को जला रही है क्या ओ भाई यहाँ तो मेरा पूरा पड़ोसी का परिवार उठाया

ऊपर से गाइज या भी मेरी बात पे बिलीव नहीं कर रहे हैं पता नहीं है प्लीज आप आराम 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 कीजिए करें हमारा घर भी तो बचाओ आराम करने के लिए ठीक है आप मेरे घर पे आराम कर सकते हैं बड़ी मुश्किल पे मैंने अपने पड़ोसियों को भेजा अभी मैंने अपने घर पे उनके में सुला दिया है एक मिनट ये कैसे हो जाए सब मेरे साथ खेलो। वरना मैं को नहीं सोने दूंगी ओ भाई है भाई वाटर स्लाइड पर कोई खड़ा है क्या हेलो हो ओ भाई, क्या भाई? कोई था के कपड़े पहन रखे थे और भाई वो इंसान कह रहा है मेरे साथ खेलो उसको अकेलापन महसूस हो रहा है ओ भाई क्या चल रहा है ओ माय गॉड ये वाटर स्लाइड कोई नॉर्मल भाई मुझे तो लगता है भाई वाटर स्लाइड नहीं हॉन्टेड वाटर स्लाइड है आपको क्या लगता है अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट लिखिए या ऐसा भी हो सकता है कोई मुझे और अवेंजर्स को डराने की कोशिश कर रहा हो अरे ये कौन आया ओ भाई ये कौन है ये सिंचन तो पक्का नहीं है भाई साहब मुझे नहीं लगता है कोई भूत भूत है कोई इंसान ही है जो भाई डराने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से अब छोड़ो हाँ तेरे को कहाँ गया बेटा तू है गायब हो गया अजीब है अरे गाइस ये क्या चल रहा है मुझे जल्दी जाके अवेंजर्स को बुलाना पड़ेगा अवेंजर अरे यार मुझे तो डर लग रहा है बुरा वाला गाइस मेरे को लगता है ही वाटर स्लाइड भाई बहुत खतरनाक वॉन्टेड है भाई भूत वूत है सोचो वो वो इंसान हवा मतलब वाटर स्लाइड से आया पानी में कूदा पर बाहर ही निकला या तो वो मर गया या फिर वो कोई भूत था अवेंजर्स

गाइस, क्या हो गया और ऐसा कैसे हो सकता है वही और क्या हो गया ये अरे कौन रो रहा है भाई इतनी बुरी तरह से पहले तो बोल रहे थे सोने थे सोने थे। अरे लगता है गाइस मैं सोया ही नहीं आंखों में दर्द हो रहा है बहुत खतरनाक वाला है सुबह भी हो गई इतनी जल्दी अभी तो मैं सोया था <laughs> ये किसी है। का है भाई। को शहर तो तो <laughs> में बहुत सारी किडनैपिंग हो रही है क्या किडनैपिंग भाई मुझे नहीं लगता है किसी तरह की किडनैपिंग है मुझे कुछ और चौप कहा पर है और चौप कहा अभी तो यहीं था चौप कहा गया क्या क्या मजाक चल रहा है भाई लोग गायब हो रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा अवेंजर्स मुझे नहीं लगता भाई ये किसी इंसान का काम है अबे क्या बकवास कर रहा है फ्रैंकलिन? और क्या भाई ऊपर वाला किडनैप करेगा उनको नहीं नहीं भाई ना किसी ऊपर वाले का है ना नीचे वाले का ये काम मुझे लगता है भाई सब हमारी ही वाटर स्लाइड का है पागल है फ्रैंकलिन वाटर स्लाइड किडनैप कर रही है अब लोगों को नहीं 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 मुझे लगता है हमारी वाटर स्लाइड पर किसी आ, आ, क्या बोलते हैं उसको भयानक भा, आत्मा ने कब्जा वर कर लिया है भाई <laughs> फ्रैंकलिन इतनी खतरनाक है मुझे हंसा मत ऐसा कैसे फ्रैंकलिन तो पागल वागल हो गया है आज के ज़माने में ये कोई अशुद्ध आत्माएँ आत्माएँ नहीं होती चल बकवास बंद कर ठीक है टोनी तो यार मेरी बात तो मैं अच्छा तू कहना चाह रहा है कि हम वाटर स्लाइड पर अगर जाएंगे तो वापस नहीं लौट के आ पाएंगे हाँ अभी तक जो भी वाटर स्लाइड में गया है मज़े लेने वो गायब हो जाता है चल तो ले मैं तुझे प्रूव कर देता हूँ अभी देख मैं वाटर स्लाइड में मस्त यहाँ पर स्विमिंग करता जा रहा हूँ भाई ये देख क्या खतरनाक तरीके से अरे वाह वाह बड़े वा 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 मज़े आ रहे हैं ले मुझे तो कुछ नहीं हुआ ले कुछ हुआ क्या हुआ क्या कुछ अरे अच्छी बात है ना डोरी तरह कुछ नहीं हुआ पर मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा है भाई यहाँ पर ये वाटर स्लाइड तुझे मुझे कुछ क्यों नहीं कर रहा है और बाकी लोग क्यों गायब हो रहे हैं पागल पागल हो गया है क्या मेरे हिसाब से ये कोई जानबूझ के फ्रैंकलिन हमें डराने की कोशिश कर रहा है जिससे कि हम वाटर स्लाइड का बिजनेस करना छोड़ दें कोई ज़रूर हमारा पक्का दुश्मन होगा टोनी यार मेरी बात को यकीन कर मैं जा रहा हूँ भाई साहब अभी पुलिस स्टेशन मुझे जाकर रिपोर्ट लिखानी है चौप के बारे में सिंचैन के बारे में और हल्क के बारे में टोनी नहीं भाई तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है रुक मैं भी एक बार जरा ट्राई करता हूँ कुछ होगा क्या कुछ होगा क्या गाइस देखते हैं क्या पता जिस तरीके से बाकी लोग आए हुए हैं मैं भी जाऊँ अरे ये क्या मैं ये बीच में ही रुक गया ओ माय गॉड जब भी मुझे क्रीपी सी स्माइल दिखती है बड़ा डर लगता है भाई क्या खतरनाक चीज है फ्रैंकलिन, तू सबको नहीं बचा पाएगा समझा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी ओ भाई ये क्यों ओ भाई टोनी टोनी क्या हो गया क्यों चीख रहा है अबे देख वो जो स्माइल वाली लाइट्स हैं अबे कौन सी लाइट भाई कोई लाइट नहीं है अरे हाँ दिन में तो लाइट जली नहीं टोनी अरे भाई मार दिया रे टोनी देख उन लाइट्स के पास भाई साहब मेरे को कोई लेजर मार रहा है अरे बाप रे कौन है तू वो भाई कौन है तू यस लाइट मेरी है मेरे पास यहाँ पर इसका पूरा कंट्रोल है मैं किसी को यहां नहीं आने दूंगी सबको मेरी मर्जी से खेलना होगा ओह भाई साहब टोनी अबे फ्रैंकलिन तू ऊपर से कैसे गिरा तुझे तो पानी में जाना चाहिए था अब मेरे को भाई किसी ने फेंका है ऊपर से ही ही भैया आपका तो दिमाग गायब हो चुका है मुझे तो लगता है सिनचैन खो गया चौप खो गया है उसके सदमे में आ गए आप गलसाई गाफ्राइंग देख हमें जाने दे अभी ठीक है हमें सिंचैन और चौप और हल्के इन तीनों के बारे में रिपोर्ट लिखानी है पूरे शहर में ढूंढना है पोस्टर वोस्टर है भाई बहुत सारे काम है बाकी वाटर स्लाइड्स के काम करा तू बंद ही रखा लोगों को आके आज मजे मत लेने देना पता चले कोई और गायब हो जाए उसका इल्ज़ाम भी हमारे वाटर स्लाइड पर आ जाए का मैं टोनी को कैसे कन्विंस करूं कि जो भी है इस सारी की सॉरी वाटर स्लाइड की ही खता है इसी की सारी चीज़ें हैं कोई तो प्रूफ होगा किसी तरीके से तो मैं यहाँ पर पता कर सकता हूँ पिंचन तू तो मेरी बात पे बिलीव करता है ना इही मैं नहीं करता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस वाटर स्लाइड को तोड़ दूंगा ऐसी फिर ये भैया क्या कह रहे हैं अवि जिस ने इतनी अच्छी तरह से हमें गिफ्ट दिया था आप इसको तोड़ देंगे अरे तो कम से कम लोगों की जाने तो बच जाएंगी मुझे तो लगता है भाई साहब जो लोग गायब हुए हैं वो जिंदा भी नहीं बचे बहुत भयानक भाई आप समझाओ ना यार पिनचेन को प्लीज़ कमेंट में ये लिखो ना बताओ ना ये कोई वाटर स्लाइड नॉर्मल वाटर स्लाइड नहीं है रात को तो और खतरनाक हो जाती है ये क्या चल रहा है मैं तो बुलडोजर से यहाँ पर अरे बापर इस वाटर स्लाइड को हिला भी नहीं पा रहा हूँ बहुत हो गया मैं आर पी जी रॉकेट्स लाऊंगा और यहाँ पर पूरा वाटर स्लाइड तोड़ जाऊँगा भैया भैया आपका दिमाग घूम गया ऐहे इसे मत कीजिए आप सिंचन को क्या जवाब देंगी उसको वाटर स्लाइड बहुत पसंद है आज वाटर स्लाइड की वजह से सिंचन मेरे पास नहीं है इसलिए मैं उसको तबाह कर दूंगा मेरे को नहीं चाहिए ऐसी बकवास वाटर स्लाइड भाई क्या था क्या चल रहा है ओके okay, मैंने फाइनली यहाँ पर इस वाटर स्लाइड पर आग लगा दी है पर यह टूट फूट के गिर क्यों नहीं रही है अजीब बात है तो प्लास्टिक से बनी होती है सारी जल जला के अभी तक पूरी तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए थी पर इसको तो कुछ नहीं हो एक मिनट वट ये क्या मजाक है आग आग गायब हो गई अरे ये ने किस मिट्टी से बनाई है भाई साहब इस वाटर को इसका कुछ हो ही नहीं रहा है गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एक काम करता हूं मैं यहाँ पर ऊपर और भी बॉपरे जी क्या मैं ऊपर जा रहा था और एक साथ से यहाँ पर रात हो गई नहीं जल्दी और गाइस देखिए रात होती वो अजीब सी कृपी सी लाइट्स फिर से जलने लग गई भाई सिंह सिंह तो यहाँ है

अरे भाई ये वाटर स्लाइड तो बहुत ही खतरनाक है मुझे यहाँ से भागना होगा दोस्तों मुझे अवेंजर्स को मुझे अवेंजर्स को बुलाना होगा मेरे हिसाब से दोस्तों आइडिया अरे हाँ मैंने अपने वाटर स्लाइड पे गाइज ऊपर प्लेटफॉर्म पे एक सीसीटीवी कैमरा देखा था बट आई डोंट नो गाइज वो सीसीटीवी कैमरा अभी तक काम कर रहा होगा या नहीं अवेंजर्स मेरी बात तो सुनो भाई गाइज वहाँ से यहां तक आने में मेरी हालत खराब हो गई है अरे भाई हल कहीं नहीं मिल रहा है आधे ये ये तो से ज्यादा शहर गायब हो चुका है अरे वो वाटर स्लाइड अरे भाई साहब उसमें कोई घोस्ट है वो कोई है। यार प्लीज़ ऐसी बात मत कर तो यार मुझे लगता है भाई साहब ये कोई और कोई गैंग है जो यहाँ पर हमारे शहर को पूरी तरह से तबाह करना चाह रही है अरे ऐसा नहीं है प्लीज गाय आप कॉमेंट में ना तुम यकीन नहीं है मेरे साथ चलो मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा ठीक है अगर तूने प्रूफ नहीं दिया ना भाई मैं सही बता रहा हूं तुझे सबसे पहले जेल में डलवा दूंगा चलो मुझे आकर देखते हैं आखिरकार ये है, फ्रैंकलैन क्या प्रूफ देने वाला है टोनी अवेंजर्स नहीं आए नहीं भाई अवेंजर्स को तो इन बातों पे यकीन नहीं है खैर मैं जा रहा हूँ वही बहुत है एक बार गाइस मैंने टोनी को ईन दिला दिया तो अवेंजर्स को तो यकीन आ ही जाएगा टोनी काम कर भाई जल्दी से गाड़ी को तू मेरे घर की तरफ लेके चल और वाटर स्लाइड के पास चल पहले मुझे कन्फर्म करना है कि वाटर स्लाइड पर जो सी सी टी वी कैमरा तूने इंस्टॉल किया था वो काम कर रहा है नहीं अरे क्यों काम नहीं कर रहा होगा भाई वो अच्छी तरह से काम कर रहा होगा मैंने लगाया था भाई मैंने वाटर स्लाइड को इस तरीके से बिल्ड किया है कि बड़ी से बड़ी मिजाइल भी इसको तबाह नहीं कर सकती फिर तो अच्छी बात है गाइज यहाँ पर वाटर स्लाइड जो है एक मिनट ओ भाई ये क्या मजाक हो रहा है और भाई फ्रैंकलिन अबे तूने वाटर स्लाइड की सही से सफाई नहीं की क्या अबे देख इस पे भाई जंग लगा पड़ा है पूरा झाड़ झूड़ हो गए हैं भाई इस पे क्या मजाक है फ्रैंकलिन लिटरली मैंने तुझे इतने दिल से इतने मन से तुझे, तुझे गिफ्ट दिया था और तूने उसकी ये हालत कर दी अब आ, टोनी मैंने कुछ नहीं किया भाई ये ये कर्ज है पूरी तरह से वॉन्टेड स्लाइड भाई ये इसलिए इसकी ऐसी हालत हो रही है इसका असली रूप तो अब दिख रहा है देख फ्रेंगे वो लाइट ये दिख रही है मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं दिख रहा एक मिनट कैमरा है इसका कनेक्शन तूने कहा लगाया था वैसे तेरे घर का वो लिविंग रूम का टीवी है ना उस पर मैंने इसका कनेक्शन लगा रखा है क्यों ऐसा क्यों कह रहा है तो मुझे वही उसी की फुटेज चेक करनी है अब अरे फ्रेंकली तो पागल है कि हम कोई मूवी वूवी देखने जा रहे हैं क्या हमें खोए हुए लोगों को ढूंढना है भाई अपना बिज़नेस बंद पर रहा इसको चलाना है टोनी ये बिज़नेस ये मैं बर्बाद कर रहा है तो मेरी बात मान मैं एक बार यहाँ पर तुझे यकीन दिला दूँ उसके बाद देखना लिटरली मैं भाई साहब तेरी यहाँ के खुल जाएंगी चलो देख ही लेते हैं ओके दोस्तों और इस सी सी टी वी से यही पता चल जाए कि सिंचैन और हल्क और चौप ये बाकी के लोग कैसे गायब हुए ओके यहाँ पर रिमोट कहाँ पर है ऑलराइट रिमोट right, मिल गया चल, चल, चल जल्दी से देखते हैं स्टार्क ओके ओ भाई साहब

वाटर स्लाइड पे जा रहा था मुझे और टोनी को छोड़ के सब को ये वाटर स्लाइड अपने अंदर समा रहा था टोनी अब तो तेरी आगे बोलो अब फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे भाई मुझे तो आइडिया भी नहीं था ऐसा कुछ भी हो सकता है भाई ये मैंने क्या बना डाला इसमें तेरी गलती नहीं है मेरे हिसाब से तो ये वाटर स्लाइड पहले से ही cursed था पूरी तरह से haunted था बस हमें इसके बारे में आइडिया नहीं था अब हमें किसी भी हालत में इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा आ उसकी चिंता तू मत कर वाटर स्लाइड एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो आई थिंक हो सकता है जितने भी लोग इस वाटर स्लाइड खाएं वो सब के सब जिंदा बच जाएं कम टोनी तू कर सकता है सुपर जेट पिस्टल अटैक अबे ये तो कुछ भी नहीं हुआ इसको ओह माय गॉड टोनी यहां पर तुझे अपनी 100% पावर के साथ भाई 100 नहीं 200 परसेंट पावर के साथ यूज करूंगा मैं अपना लेकिन इस वाटर स्लाइड को तबाह कर करूंगा भाई साहब मैंने वाटर स्लाइड इतना मजबूत भी नहीं था मुझे तो लगता है एक मिनट ये क्या हो रहा है इतनी गर्मी क्यों हो रही अरे अरे मार दिया बचाओ बाप रे तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे तबाह करने की कोशिश करते हो अरे भाई ये कौन बोल रहा है टोनी टोनी भाई ये क्या हो गया ये कहाँ पर ओ माई गॉड क मैं तो किसी गुफा में हूँ और फ्रैंकलिन देख भाई अवेंजर्स जाल में बंद पड़े हैं भाई एक मिनट अवेंजर्स हैं तुम लोग जिंदा हो थैंक गॉड तुम लोग जिंदा हो अरे भाई अरे हम यहाँ फंसे पड़े हैं यहाँ देख के और भी अलग अलग तरीके की वाटर स्लाइड्स हैं अच्छा तो गाइज ये सब चक्कर है भाई हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और साथ साथ में इस वाटर साइड को तबाह करना होगा कैसे कैसे करें आ, हमारे पास तो कोई ताकत भी नहीं है क्या बकवास कर रहे हो तुम सब अवेंजर्स हो तुम अर्थ के हो हो और तुम इस बात को भूल गए टोनी हो? अपना होश मत खो भाई जल्दी से सामेन का सूट पहन बुला किसी तरीके से हल्क तो अपनी ताकत दिखा भाई बर्गर खाता है कुछ तो ताकत आई होगी हल्क के पास कोई ताकत नहीं है फ्रैंकलिन अब नहीं छोड़ेगी वाटर साइड हमको कहा जाएगी प्लीज गाइज अवेंजर्स को मोटिवेट करने के लिए अवेंजर्स ओपी लिखिए ना कॉमेंट में अगर हमारी मदद करेंगे तुम लोग तो पे पे कुछ कुछ कर 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 पाएंगे। दोस्तों पूरी तरह से आ चुका है और देखिए सारे भी भी अपनी ताकत का कर रहे हैं। तुम लोग सकते हो। ये हम भी कुछ क्या? <coughs> भाई हम बच तो जाएंगे अरे जरूर बचेंगे Come on, हमें जल्दी से इस माया जाल को तोड़ना होगा और घोष्ट दिखानी पड़ेगी हम वापस आ गए लेट्स गो यहाँ पर काइज हमने वाटर स्लाइड वाले हॉन्टेड भूत का या जो भी कह सकते हैं कर्ज स्पिरिट का यहाँ पर जितना इतना अहंकार था वो तोड़ डाला और भाई ये वाटर स्लाइड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय पहली बार बार इतना मजा आ रहा है किसी चीज को होते हुए देखने में ऑल राइट आइज वैसे तो यार मेरी वाटर स्लाइड गई अब ऐसी सौ वाटर स्लाइड तुझे दे दूंगा अब नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसी अहम मजाक कर रहा था इस बार तेरे को भाई साहब हम वाटर स्लाइड देंगे लेकिन एकदम फ्रेश माल के साथ ये तो पता नहीं कहां से मिल गया था दोस्तों अगर आप चाहते हो अगली बार हम वाटर स्लाइड का बिजनेस करें पर अच्छी तरह से तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना हो रहा। स्क्रीन पर जो भी दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए मजा आएगा थैंक यू सो मच हे, हे।